अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस समारोह के दो फोटो और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। साध्वी रितंबरा के साथ गले मिलती उमा भारती आँखों से आंसू नहीं संभाल पाई और इस क्षण को देखकर वे रो पड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उमा भारती का अयोध्या आंदोलन से क्या संबंध रहा। मधुर स्वर में कृष्ण भजन और भागवत कथा सुनाने वाली टीकमगढ़ की एक साध्वी जो बाद में राम मंदिर आंदोलन की बड़ी नेत्री बनी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी अपनी राम रथ यात्रा से आंदोलन को हवा दे रहे थे। ये वही आंदोलन था जिसको नाम दिया गया था राम जन्मभूमि आंदोलन। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश में उमा भारती भोपाल से अयोध्या तक की मशाल लिए पैदल चल रही थी। चित्रकूट में उमा भारती गिरफ्तार हुई। गिरफ्तारी के बाद साध्वी कैद से चकमा देकर राम जन्मभूमि पहुंच गई। पहचान छुपी रहे इसके लिए साध्वी ने सिर से बाल मुंडवा लिए। जैसे जैसे ये आंदोलन तेज हुआ वैसे वैसे साध्वी लोकप्रिय होती गईं। राम भक्तों ने उन्हें दीदी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। वर्ष 1991 में चुनाव में उमा भारती खजुराहो से सांसद बनी। दिसंबर 1992 में उमा भारती को कार सेवकों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली। उमा भारती के तीखे भाषणों से कार सेवकों में ऐसा जोश भरा कि हजारों की भीड़ अयोध्या के लिए निकल पड़ी। 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या के रामकथा कुंज में उमा भारती का भाषण इतिहास में दर्ज हो गया। उमा भारती मंच से गर्जी, सरयू को पानी हमारे खून से लाल भी हो जाए तो। कुछ देर बाद उमा की आवाज़ फिर उठी, मंदिर बनाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियों को ईंट बना देंगे और लहू को गारा। दिन के दूसरे पहर में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया तब उमा भारती की आंखों में आंसू झलक आए जैसे वो यज्ञ पूरा हो गया हो। मुरली मनोहर जोशी के ठीक पीछे उमा खड़ी थी, किसी बच्चे की तरह उनसे वे लिपट गईं। उमा भारती की प्रतिज्ञा बाबरी विध्वंस नहीं राम मंदिर निर्माण था। 1992 के बाद उमा भारती का आंदोलन चलता रहा। हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं की, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मगर अयोध्या आना जाना नहीं छोड़ा। ऐसा उमा भारती का किस्सा रहा है। हाल ही में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय की वीडियो भी हमने खूब देखी जिसमें उमा भारती और साध्वी रितंबरा रोते हुए दिखाई दे रही हैं।